हाँ जी, तो बच्चों ने जो नाश्ता वुश्ता दे के जो वेले हो गए हैं, तो बर्तन जो धो के रख दिते ने। उस तो बाद अग पई हुई सी, तो मैं जो उत्ते रख दी है जी दाल। दाल मेरी जी ना माशाला देखे कितनी गल के, तो बड़ी प्यारी गल गई है। तकरीबन इन्हे च मैं अग जरा नहीं मचाई वारे ते, हालांकि थोड़ी जी अग ते जी उबड़ गई है। तो मैं चलो हूँ रात में सालन बनाने आसानी हो जाती। फैजा रानी जी ना जी सौ गई हुई है, छावे मेरा पाए तो अज धुप जी ना काफी निकली हुई है। सात आज धुप से बैठा नहीं जाता पे, इतनी धुप जी ना माशाला तेज निकली हुई है। छां ते मंजा डाह के उत्थे बैठे हुए हैं। फैजा रानी जी ना खिलदी बनती है, और मियां साहब और जी ना उन्होंने सुकून नहीं आया बैठे, उन्हें आख्या मैं वेला नहीं बैठा जाता। मैं जरा मूडा पे ना भी उन्हें मैं उड़ाई कर लवा, हालांकि दर दिन रात को काफी हुई है तो बैठे तो रहने, लेकिन उन्होंने ना आख्या इतना देर मेरे को नहीं बैठा जाता भी चलो कोई थोड़ा बहुत नाल मैं हाथ लाई रखा। हाँ जी बिलाल बेटा जो मेरा होमवर्क कर रहा है, क्योंकि इतवार है कि अपना काम लिख रहा है बेटा। होमवर्क नहीं है, छुट्टियों का काम है। छुट्टियों का काम, अच्छा जो देखे मिल भी गया, अच्छा सही। अच्छा कि छुट्टियां भी हुई है नहीं, काम पहले मिल गया। हाँ जी, उन्होंने काम बता दिया था ना पहले। अच्छा, उन्होंने कहा कि छुट्टियां होने वाली आज होगी है 17 तारीख। हाँ, बल्कि आज 18 है, और बाकी सिर्फ 4-5 दिन अभी रह गया छुट्टियों में। सही हो गया, चलो लिख लो। हाँ जी बेटा, अच्छा हाँ पापा रात बना के लाया मेज, बच्चे जेडे ना उत्ते काम लिखते पे ने, ते सही हो गया है, बड़ा अच्छा काम लिखी रहना ते। और बाकी जी मैं कपड़े कल दो सुकने पाए ने, लेकिन कल नहीं सुके, अज जो माशाला सुक गए होने, कुछ उतू मैं सुके सुके उतार रही हूँ, और जो थले वाले हैं ना वो फिर थोड़े गिले उन्होंने फिर शाम तक धोख लग जाए, तो शाम जो फिर उन्होंने मैं रख दे सा। मैं आ दो सूट कट के बाहर ले आते ने, इन्होंने मैं कटाई कर रहा वा, क्योंकि अभी मैं मशीन नहीं कड़ी। मैं मेरे को ना सिलाई तकरीबन 2-3 दिन हो गए ने, एक लाख मशीन कटदे नू तो थकावट जी बनी खड़ी है। मैं चलो अज मैं मशीन की रेस्ट करने है, और कटाई करके जी है ना वो मैं रख लें। ऐसा रानी एक मुझे गिलास पानी दे पिला दो बेटा, ठीक हो गया, पानी पी के ते कटाई करिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। मैं दुआ करनी है मेरे बहन भैया जितने हो गए खुश हो गए आबाद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सी बिल्कुल ठीक ठाक है। इस नेक दुआ के अज की वीडियो करने जी आगाज है, हूँ टाइम जरा जी हो गया है असर जी। मैं बना लगी सालन दाल जी ने मैं पहले उबाल के रख दी, तुम पिछली वीडियो जी वेख चुके ने, ते हुण जिहड़ा जी मैं बना लगी जी मिर्चा और लसन जिहड़ा ना मैं छिलदी पई हां, और अदरक छिल के उस तो बाद इहदे विच सुक्कियां धनिया साबियां मिर्चा सबज दने ये पा के जिहड़ी ना मिर्चां दा पेस्ट बना के रखना, क्योंकि असीं सुक्कियां मिर्चां जिहड़ियां ना उह नहीं खांदे। अक्सर तुसीं सारे वी लोग जी वेंदे रहिंदे पिछले भी असीं मिर्चां ला के रखने, अज मेरी मिर्चां जिहड़ी खत्म हो गई, मैं कहिंदा पहले मिर्चां ना लावां और उस तो बाद जिहड़ा ना फिर सालन बनावांगे। सारा जिहड़ा लसन है मैं छिल लैंदी हां, थोड़ी सी थोड़ी मेरी मदद करा दे, अगर बच्चे ने भी कह रहे हैं क्योंकि देसी लसन है घर का, तो वह फिर डली जी बिल्कुल छोटी होंगी, अगर बाजारू लो तो वह फिर डली होंगी ज्यादा और जल्दी हो जाता है। इस वास्ते थोड़े मैंने चला दो, क्योंकि अपनी जल्दी हो जाए लेट ना हो खाने। हाँ जी, अदरक और लसन उन्होंने दो धो लिया है, तो दो कुट लेने पहले। यह जी मैं दोहरी डंडा सिर्फ ए मिर्चा लावन वास्ते रखे, हालांकि चट्टू भी हैगा उन्हें ना मिसाला कुटना आवे, और मशीन भी मेरे सामने आती हुई उन्हें जी ग्रैंड हो जाता है अदरक लसन सब, लेकिन जी दौरी डंडा है ना ये सिर्फ और सिर्फ मैं मिर्चा लाने वास्ते रखे हुआ है, तो जो मैं रलानियाँ उदो तो फिर मैंने इन्नी जरूरत बनती है। और दाड़ियाँ कुटने अगर रोटी ने खाओ ना दलिया सब्ज कुट के, तो वह भी बड़े मजा करते उन्होंने वास्ते, ये दौरी स्पैशल मैं इन चीज़ों वास्ते रखी हुई है, और इन्हें हूँ कुटने कुट के उस तो बाद उस चीज़ों में मिला हूँ। हाथ मगो तह रखे कि जी कोई चीज उड्डे ना, इतना जड़ा जी पेस्ट बन गया है अदरक और लसन का, और बिच पा देने जी नमक, नमक तकरीबन मैं 2 चम्मच पावे क्योंकि मिर्चा काफ़ी ज़्यादा होनी ने, और इस अलावा पा देने जी
खुशक धनिया ये पहले पीस के रखे हुए ने ए विच पा देने हैं जी चम्मच डेढ़ लो जी और खूनी में लाल मिर्च पाने एक तो टाइम जरा ना काफ़ी बच जाता है इन्हें मिर्चा लावा ना और एक जरा ना इन तस्वीर जी मेरे को ठंडी हो जाती है खावे कोई प्रॉब्लम एक टाइम अगर सालन ना ना बने हो ये बंदा मिर्चा भी रोटी तरह के खा ले तो बढ़िया मजा कर दिया ने जी इस वास्ते और मिर्चा ने दो सुखा के उस तो बाद जी ने पिवा के मशीन से रखी हुई ने क्योंकि जो फिर हर रोज का जो कम तो बंदा बच जाता है टाइम बच हाँ जी मिर्चा जो मेरी रल गई हुई ने इन जो सबज मिर्चा और खुश साबत कुट के पानी ने गलें बिलाल होने पैसे मैं बेटा सब सबज मिर्चा भी ले और खुश दरिया भी ले क्योंकि पापा ने नहीं जा सकते दर जी काफ़ी हुई है जिस दूसरा ने लोह कटिया ना तो फिर इन्हें सुबह की जिम्मे एलर्जी की एचो जी बड़ी खिलोती है उन्होंने भी दवाई लीए और रात भी लीए हम दोबारा फिर लेने क्योंकि उन्हें दो टाइम की गोली दी है रात में फिर देने अल्लाह मेहरबानी करेगा और मिर्चा देखो रंगत माशाल्लाह दिल करता कि बंदा चम्मच खा ले कितनी प्यारी बन गई ने इन्हें बड़ा फायदा होता जी रोटी ना खाओ और वैसे पा के खाओ डब्बी पा के हाँ जी तो लब्बी जी भर के मिर्चा नहीं होने रख दें और बिलाल जो लेके आ गया ना धनिया सबज धनिया और कुछ भी धनिया दूसरे नहीं सबज मिर्चे और धनिया वो फिर मैं कुट के दोबारा इन मैं अच्छी तरह हल कर लिया चम्मच नहीं रखने और चीज़ा भी काफ़ी बिच पै जाने अगर तुम गंढे पा लो और दूसरा मसाला गर्म पा लो लेकिन असं मसाले इन्ना गर्म नहीं इस्तेमाल करते इस वजह ना फिर असं ना सालों में पानी आते हैं और ना ही मिर्चा पानी आते हैं असि सिर्फ सबज मसाले जो पाने हाँ जी तो जो है रस की तौली तड़का लगता पै बंडे पाए थे और इधर मैं खबर आटा है वह गुल बना वा आटा थोड़ा जहा बिल्कुल गुंडा पड़ा और क्योंकि सुबह आटा है काफ़ी पिया हुआ है इस वास्ते मैं चलो चौक फुड़के आटा भी गोल लगा और मसाले की भी तैयारी कर लगा टमाटर कट के रख दिता है और मिर्चा हरी भी दाल लैके हाली नहीं आया तो दाल जी वो भी जी मैं कट के रख ली हुई है उतार के और पानी का भी रख दिता मैं फिर पहले दाल पा के फिर बाद पानी लस गुड़गने की सूर तैयार करी हाली नहीं होने तैयार माशाला जो सालन है ना वो मेरा आ गया जी तैयार आटा जो भी मैं गुन लिया हुआ है ना कुछ हूँ गुद्दा है और कुछ जो सुबह तक पिया
ਡੱਬੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਆਟਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਟਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਲੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਵੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਰਤਨ ਕੁੰਜਾਂਗੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋ भाई आया है और जैन भी साथ में आया वाह जीजी भी लेकर आए हो वाह भाई वाह ये किसका बेटा है किसका बेटा है बाप बेटा था हाँ वो आपको क्या लगता है मेरे भाई भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ खाना खा लो ये क्या हो रहा है नाल जी खाना पका रही है और रोटी जी नवी सब भी हो गई है तैयार क्योंकि अगर वीडियो बनाते रहने जी मेरी जान अबे दी जान अबे दी जान नवे नवे हर रोज ना कदी पापा कदी बाबा कदी अब्बा आज अबे दे आ गई जी रोटी खानी मैं खवाना ते अल्हम्दुलिल्लाह जी टेबल ते रोटी रख के जड़ी है ना जी खा रहे हैं और काफी अच्छा फील हो रहा है वैसे ते प्लास्टिक दे भी टेबल जड़े ना वो लिया जा सकते हैं कोई इन्ने ज्यादा महंगे भी नहीं हैं जिन्ना खर्चा इन्हां ते होया ना शायद चार कुर्सियां एक टेबल जड़ा ना वो दूसरा लेंदे ना प्लास्टिक दा ते शायद कोई 19-21 दा फर्क होवे लेकिन ए भी जा खर्चा जड़ा ना अच्छा भला हो गया लेकिन इन्हां दी अपनी एक जड़ी है ना मतलब सजावट है या एक अपना मजा है ते वो प्लास्टिक दा अपना एक मजा है वो एक डेकोरेशन पीस बने हुए ने लेकिन इन्हां दी ज्यादा मजबूती नहीं होंदी जिन्नी इन्हां दी जड़ी है ना मजबूती है और पैदारी है ते आओ तुसीं भी खांदे हो खाना ते मिलके खाने आ जी अज चनिया की दाल पक्की हुई है जी और बड़ी मजे की लगती है और बहुत ही मजा आंदा है मैनू ते खान लग्या अगर थानू भी पसंद है तो जरूर कमेंट जी दसना है जी खाना जड़ा है ना वो खा लिया होया है और हुन टाइम है चाय दा चाय जड़ी है ना जी वो पकदी पई है और अंगारियां ते जड़ी है ना असी पकाई है मतलब स्पेशल कोई अग नहीं बाली जांदे वास्ते अंगारे काफी सारे बन गए सी पक्की लकड़ जड़ी है ना वो बालदे आ ते अंगारे काफी सारे बन गए सी ते हुन उत्ते जड़ी है ना चाय बना रहे हैं और चाय भी जड़ी है ना जी तकरीबन तैयार होई खड़ी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त चाय जड़ी है ना वो अंगारियां दे तैयार होंदी क्योंकि धीमी धीमी अग होंदी ना ते वो यकदम वाला सेक या हीट जड़ी है ना वो नहीं मिलती और दूध जड़ा है फौरन उत्ते नहीं आंदा ते इस वजह तो ना मठी मठी अग मठा मठा सेक ते जड़ी है ना चाह परफेक्ट पकदी है और तुसी भी अगर चाय पींदे हो तो सो बिस्मिल्लाह जी आओ मिलके पीने मिलके पीने च और खाने जिहड़ी बरकत है ना जी वो बिल्कुल भी कल्ले खाने च नहीं है ते अगर चाय पींदे हो तो आओ वरना फिर मैं ते तुहानूं पता है वेखो गर्मा गर्म चाय जिहड़ी है ना वो पीण लगा जी